ये लो फ्लेम पर है और ये हाई फ्लेम पर, इससे जल्दी बॉईल हो गया। और काओ मिल्क में अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि लो फ्लेम पर थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो हम दिल्ली में अमूल दूध यूज करते हैं, बट मैं देखना चाहती हूँ कि ये अमूल दूध से अच्छा है या नहीं। वैसे तो इसकी बहुत तारीफ सुनी है। ये देखो हमारा काओ मिल्क भी बॉईल हो चुका है और मैंने लो फ्लेम कर दिया है। हमें मिल्क को अच्छे से बॉईल कर लेना है और देखते हैं ठंडा होने के बाद मलाई कितनी आती है मिल्क पर। सो गाइस हमारा दूध बॉईल हो चुका है और ये है बफेलो मिल्क। अब हम बफेलो मिल्क देखो कितनी सारी मलाई आई है। वाओ, ये देखो थोड़ी और है अभी, ये लो। और ये है हमारा काओ मिल्क। अब हम काओ मिल्क की मलाई निकालते हैं। देखो इसकी तो गोल्डन गोल्डन कलर अलग ही चमक रहा होगा काओ मिल्क का। ये लो थोड़ी सी और, इतनी निकली हमारी काओ मिल्क में मलाई। और देखो हमारे दोनों मिल्क की मलाई निकल चुकी है। और